बिना तामझाम के, बिना क्रीम के, बिना मेहनत के ये जो प्योर स्वाद वाली मुंह में घुल जाने वाली कुल्फी होती है, इसकी बात ही कुछ और होती है। कुल्फी की रेसिपी तो हर साल मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, लेकिन आज की कुल्फी में जो ट्विस्ट है जिसमें कुल्फी का स्वाद कई गुना ज्यादा हो जाएगा। और हाँ, ये ट्विस्ट मैं आपको आखिर में सर्व करते टाइम बताऊंगी। तो चलिए कुल्फी को बनाना शुरू करते हैं। 2 लीटर दूध लेंगे कच्चा, जिसे हम बड़ी कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालकर उबलने के लिए चढ़ा देते हैं। बड़ी कढ़ाई में हमेशा आपको इसलिए कहती हूँ जिससे साइड से आप अपना काम भी करते रहें और आपका काम इधर होता भी रहे। अगर हम छोटी कढ़ाई लेते हैं तो ये बार बार दूध निकलने का डर रहता है, और हमें मीडियम फ्लेम पर इसे पकाते रहना है। बहुत ज्यादा स्लो पे यदि करते हैं तो पक पक के लाल हो जाती है, बहुत ज्यादा। जब काफी अच्छे से उबल गई है तब मैंने इसके अंदर डाल दिया थोड़ी सी केसर की पत्तियां और 1 चम्मच इलायची का पाउडर। यहाँ पर मैंने इस दूध के अंदर, 2 लीटर दूध के अंदर अभी आधा कप चीनी डाली है। अब बारी आती है इस कुल्फी को आप चाहें तो जिस तरीके से बनाएं, ये देखिए। अगर आपको किसी व्रत का टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ इसे गाढ़ा करना है, तो आप लेंगे 1 टीस्पून, सिर्फ 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर या फिर 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, दोनों में से कोई एक लेना है। अगर आपको व्रत में खाना है तो कॉर्नफ्लोर कस्टर्ड को एक तरफ हटा दीजिए, सिर्फ 2 टेबलस्पून आपको लेना है मिल्क पाउडर। इससे क्या होगा, हम किसी व्रत वगैरह में भी इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर को थोड़े से दूध में मिक्स करके इसमें डाल दिया है। अब बारी आती है ये कटगोला कुल्फी की। इस कुल्फी का हल्का सा स्वाद थोड़ा सा अलग हो तो इसके लिए मैंने 1/4 कप यहाँ पर चीनी ली है, जिसे मैंने कैरेमल बनाने के लिए रखा है। आपको लगेगा कि कैरेमल ना बनाए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कैरेमल बनाएंगे ना आपको बहुत अमेजिंग लगेगी। ये च्वाइस आपकी है। अगर कैरेमल नहीं बनाना है तो पहले ही 3/4 कप आप चीनी डाल दीजिए। ये देखिए, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पकाना है, गैस बंद कर दीजिए और ये कैरेमल वाला जो शक्कर है वो इस दूध के अंदर डाल दीजिए। इससे क्या होगा, बहुत बढ़िया इसका कलर आएगा और स्वाद भी बहुत बढ़िया आएगा। ये सीक्रेट होता है जो कुल्फी वाले बनाते हैं ना, वो यही टाइप का थोड़ा सा ट्रिक करते हैं जिसकी वजह से बहुत बढ़िया कुल्फी बनती है। अब ये कुल्फी बन चुकी है, अब इसे ठंडा कर दीजिए। ठंडा करने के बाद अगर आपको कटगोला बनाना है तो इस तरीके से कोई भी गोल बर्तन ले लीजिए या फिर गिलास ले लीजिए, उसमें भी आप जमा सकते हो। तो मैंने आधे से ज़्यादा तो इस कुल्फी को इस तरीके से जमा दिया है, बाकी की कुल्फियों को मैंने इस तरीके से जो कुल्फी वाली, जो मलाई कुल्फी वाली आती है ना स्टिक लगी हुई, उसमें जमा दिया है। अब ये टिकेंगी कैसे, तो मैंने गिलास में रखना शुरू कर दिया है। ये देखिए गिलास में कैसे रख रही हूँ, 2-2, 3-3 आप गिलास में इस तरीके से रख सकते हो। इससे क्या होगा, लुढ़केगी नहीं, सिर्फ बनेगी बस। और मिल्क पाउडर सिर्फ 10 रुपए का जो छोटा पैकेट आता है ना, बस वो भी डालेंगे काफी है। और नहीं भी डालेंगे तो दूध को थोड़ा और ज्यादा आप पका लीजिए। पर अगर हम इस तरीके से डालते हैं ना तो हमारी काफी सारी कुल्फियां 2 लीटर दूध से बन जाती हैं। यहाँ देखिए 6 मैंने ये बना दी हैं, और मैंने छोटे कप में भी बनाना है, जैसे पेपर कप होते हैं ना इस तरीके से। 2 तो मैं जमा दूंगी और बाकी का 2 मैं ठंडा कर दूंगी, बाद में उसे गिलास में निकाल के फ्रिज में रख दूंगी, इसे जमाऊंगी नहीं। ऐसा क्यों करूंगी ये मैं आपको कल बताऊंगी। ये देखिए 4 कप भर दिए हैं ना, लेकिन 2 जमाऊंगी फ्रीजर में, 2 को मैं अलग रख दूंगी। सारे जो मैंने कुल्फी बनाई है सबके ऊपर सिल्वर फॉइल लगा लीजिए, जिससे आइस क्रिस्टल वैसे भी नहीं आएंगे। वैसे कुल्फी में क्रिस्टल तब आते हैं जब आपने उसे सही ढंग से पकाया नहीं। जितना वो कम पकती है आइस क्रिस्टल आते हैं, जितना वो अच्छी पकती है उसमें आइस क्रिस्टल कभी नहीं आते हैं। सबको हम फ्रीजर में अभी तो रख देते हैं, बाद में 2 कप को निकाल कर मैं फ्रिज में रख दूंगी। ये देखिए जो 2 कप मैंने फ्रिज में रखा था ना, गाढ़ा मलाईदार बन गया है, उसे मैंने 1 गिलास के अंदर डाला है। अब यहाँ पर मेरे पास थोड़े से ड्राई फ्रूट की कतरन है, जैसे काजू और बादाम और पिस्ता। अब मैं पहले आपको पेपर कप वाली निकाल के दिखा रही हूँ। अगर आपके घर भी छोटे बच्चे हैं, उनको खुश करना है तो पेपर कप में थोड़ा थोड़ा सा मिश्रण लगता है उसमें डालकर और खूब सारी बना लीजिए। आपको याद है ना, जब ठेलों पर हम कुल्फी, जमी हुई कुल्फी को इस रबड़ी में डिप कर खाते हैं तो उसका मजा ही कुछ अलग होता है। तो वही मजा आज आप घर पर ले सकेंगे। इस रबड़ी में इस कुल्फी को जब आप डिप करके खाएंगे तो उसका मजा ही कुछ और होगा।
तो ये ट्विस्ट आप जरूर कीजिए। चाहे आप कुल्फी में कॉर्नफ्लोर डालें या कस्टर्ड पाउडर डालें या फिर मिल्क पाउडर डालें, ये चॉइस आपकी है। चाहे कुछ न डालें लेकिन इसकी रबड़ी बनाना बिल्कुल न भूलना। ये ट्विस्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके से आप हाथों की गर्मी से या पानी में डिप करके इन स्टिक को भी निकालते जाइए। ये देखिए आ रहा है ना आपको बचपन याद। हर साल मतलब जैसे ही गर्मी शुरू होती है मेरे यहाँ ये कुल्फियाँ जरूर बनती है। अब मैं वो कटगोला वाली भी बता रही हूँ। पहले मैंने आपको कटगोला कुल्फी बताई थी जिसमें कि हमने अरारोट भी डाला था और मिल्क पाउडर भी डाला था। अभी मैंने सिर्फ आपको चॉइस एक दी है जिससे क्या होगा ना आप व्रत में भी खा सकते हो। चॉइस आपकी है, आपको वो रेसिपी की भी लिंक मैं दे दूंगी। मैं कभी कभी ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी नहीं लगाती क्योंकि कई लोगों के घर में ड्राई फ्रूट ज्यादा पसंद नहीं, तो मैं तो ऐसे बना बना के गोले डब्बे में रख देती हूँ। ये देखिए मैं ये भी आपको दिखा रही हूँ। और हाँ मेरे यहाँ ना इस तरीके से कटिंग भी करके बड़े प्यार से खाते हैं, जैसे मार्केट में मिलती है ना दोने में, बिल्कुल वैसी कुल्फी। ये देखिए तो आप कैसी कुल्फी बनाना चाहोगे या कैसे टाइप की आपके यहाँ कुल्फी मिलती है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।